कि हमारे दो नए साथी माननीय केवट राम धनी बिंद जी, माननीय रामकरण कश्यप जी आज मोर्चे में शामिल हुए हैं। जो लड़ाई हम लोग दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो वंचित समाज है, जो आजादी के 73 साल में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, चाहे नाई हो, गुण हो, पाल हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, लोहार हो, धनी हो, धनकार हो, पासी हो, खटिया हो, हिला हो, गुजरा हो, ये सारी जातियां अधिकार से वंचित हैं। खासतौर से कह लीजिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको हिस्सा दिलाने के लिए ये भागीदारी संकल्प मोर्चा कटिबद्ध है। अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे, अपनी बिगड़ी खुद बनाएंगे। राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट बनाया गया, उसको लेकर क्या करेंगे? काफी विवाद भी उठा ट्रस्ट के बनने के बाद। देखिए, लड़ाई लड़ना होता तो पिछड़ों को आगे लिया जाता है। भगवान राम को विजय दिलाया तो यही पिछड़े दलित ने दिलाया। जो बानर कौन था? बानर यही, जो उस समय संज्ञा बानर, ये गरीब तबके के लोग थे। भगवान राम को जब विजय मिल गई तो बानर को छोड़ दिए, वो जंगल में भटक रहे हैं। आज तक भगवान राम ने किसी बानर को एक आवाज तक नहीं दिया। उठा के देखिए, उसी तरह आज भी पिछड़े समाज के लोगों ने और से फैसला आ दिया, ट्रस्ट बना दिया अमित शाह जी और मोदी जी ने, एक भी पिछड़े समाज को उसमें क्यों नहीं रखा? क्या ये इनके साथ अन्याय नहीं है? आज 91-27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, अभी इसका कोटा 4.7% पूरा नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो ये हिस्से दरिया क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्राइवेट में ले जा रहे हैं तो प्राइवेट में भी आरक्षण लागू कराना चाहते हैं हम लोग। भागीदारी संकल्प मोर्चा प्राइवेट में भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। प्रमोशन तो आरक्षण लेकर इस समय जिस तरह विवाद चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, उसे लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोला है सरकार के ऊपर, इसकी भूमिका क्या है? देखिए, सरकार खुद नहीं चाहती है, सरकार खुद नहीं चाहती है। आप देखिए, अगर पूरे देश पे आप देखिए, आप RBI का चीफ गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ठीक है, ED का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गुजराती, और जितने भी देश में बड़े बड़े ठेके पड़ते हैं सब गुजराती। तो ये यूपी के लोग क्या करेंगे? गुजरात को खाली टीका पट्टा देंगे? हम लोग क्या करेंगे? केशव मौर्य जी के को लेकर अभी आपने एक वक्तव्य दिया था, वो चाहिए आप इसे ले, उनकी जो इस समय देखिए, आए दिन भीतर से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री और दोनों में भिड़ान हो रही है। TMC को लेकर के मुख्यमंत्री दूसरा चेंज कर दिए, इन्होंने दूसरा चेंज कर दिया, फिर दोनों को हटा दिया गया। आप देख रहे हैं, तो अंदर जो लड़ाई हो रही है भाई, ये वोट दिलाए समाज को गुमराह करके कि मुख्यमंत्री हमको बनाया जा रहा है, हम मुख्यमंत्री को बनाया नहीं गया।